हमीरपुर वन सर्कल में हर विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग प्रदेश के पूर्ण राजस्व की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वर्णिम वाटिकाएं बनाने जा रहा है। इसी के चलते एक एक हेक्टर में वाटिका बनाने के लिए काम किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित स्वर्ण जयंती समारोह में इस योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत अब हमीरपुर वन विभाग ने पहल करते हुए योजना की तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही वाटिकाएं बनाने के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। वन विभाग हमीरपुर के द्वारा वाटिकाएं बनाने के लिए जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में जगह का चयन करके वाटिकाएं बनाने का काम किया जाएगा। मुख्य वन अरण्यपाल अनिल जोशी ने बताया कि वाटिकाओं में बारहमासी फूलों के अलावा औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे ताकि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। उन्होंने बताया कि वन विभाग के द्वारा पूर्ण राजस्व की स्वर्ण जयंती पूरे साल भर मनाई जाएगी। इसी के चलते वन विभाग ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक वाटिका बनाने की योजना तैयार की है, जिसके तहत लोगों को पर्यावरण के साथ जोड़ने के लिए वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लोगों को विभिन्न प्रजातियों के फूल और औषधीय पौधों का वातावरण मिलेगा। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राजस्व की स्वर्ण जयंती मना रहा है, जो कि 25 जनवरी से स्टार्ट हुई है और ये पूरे साल भर चलेगी। इसके तहत वन विभाग ने पहल करते हुए स्वर्णिम वाटिका बनाने का इस बार प्रावधान रखा है और इसमें हम हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक वाटिका बनाएंगे। पूरे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पांच विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर हम ये स्वर्णिम वाटिका एक एक हेक्टेयर एरिया में इसे बनाने का प्रावधान है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों को, बच्चों को पौधों के बारे में उनको एजुकेट करें, उनको इनकी नॉलेज दें और साथ ही उनको एक ऐसा एरिया दे जहाँ पर वो रिक्रिएशनल पर्पजेज़ के लिए अपने रेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसको इस्तेमाल कर सके। इस एक हेक्टेयर एरिया को हम बंद करेंगे, इसमें हम फूलदार पौधे लगाएंगे, ऐसे पौधे जो कि सारे साल भर फूल देते रहें, और पाथ बनाने का प्रावधान है ताकि लोग यहाँ पर इस एरिया में मॉर्निंग वॉक के तौर पे इसे इस्तेमाल कर सकें। कहने का मतलब है कि हम इस माध्यम से ये जो वाटिका बना रहे हैं लोगों को इसमें इसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और लोगों को फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में हम उनको जानकारी देंगे।